हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और मस्त होंगे। तो भाइयों, हम अपना मिनी पूल का शुरुआत करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें मछलियों का ज़रूरत होगा। तो अभी हम जाएंगे मछली पकड़ने के लिए, तो आप लोग स्किप किए बिना वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। तो भाइयों, फाइनली हम एक टूटा फटा फेंकने वाला जाल लेके मछली पकड़ने के लिए आ गए हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा तालाब है, लेकिन इसमें तेलाबिया फिश बहुत ज़्यादा है। तो पहली बार हम जाल फेंक के देखते हैं इसमें कितना मछली फंसते हैं। और यहाँ पर मैं खुद ही फिशिंग कर रहा हूँ और मेरा जो भातीजा है वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, लेकिन चल जाएगा। और भाइयों, आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो आज मछली ज़्यादा नहीं आया, थोड़ा ही दो चार मछली आ गए है। और बाकी सारा मछली छाया के नीचे छुप गया है और चारों तरफ ग्रास है, आप लोग देख ही सकते हैं। और यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगा। और भाइयों, पहली बार जाल फेंक के मैंने करीब 6 मछली फंसा लिया था, और इसमें से सब मछली हम नहीं रखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ तेलाफिया फिशेस ही चाहिए, तो बाकी मछलियों को हम छोड़ देंगे। और दोबारा ट्राई करके देखते हैं कितना मछली आते हैं। इस बार तो मछली नहीं आया था, तो हमने तीसरी बार भी ट्राई करके देखा। और भाइयों, तालाब में फिशिंग करने का एक प्रॉब्लम भी है। अगर आपने पहली बार जाल फेंक दिया तो दूसरे बार आपके जाल में फिशेस नहीं आएगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं छुप जाता है, और ये इसीलिए बार बार जाल फेंकना पड़ता है। और भाइयों, कास्ट नेट फिशिंग यानी कि जाल फेंक कर जो फिशिंग करते हैं उसमें जो मज़ा है, मुझे लगता है उस तरह का मज़ा दूसरा कोई फिशिंग में नहीं आएगा, क्योंकि जो हुक फिशिंग है उसमें बहुत ज़्यादा वाइट करना पड़ता है। और यहाँ पर शायद 2 फिश आ गए हैं, और ये दोनों ही तिलापिया फिश है, और ये रहा स्नैक हेड फिश। और ये बहुत ही प्यारा है यार, और इसका हमें ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम मिनी पूल में ये जो स्नैक हेड फिश है वो नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये जंप करके वहाँ से भाग जाएगा। और ये एक तिलापिया फिश, ये तो बहुत बड़ा है यार। और भाइयों, हम आज जाल नहीं फेंकेंगे क्योंकि हमारा फिशिंग करना हो गया है, और हमें पूल के लिए जितना मछली चाहिए वो रख के हम बाकी सब फिर से पानी में छोड़ देंगे। और इधर हमने टैंक को पूरा साफ करके रखा था, और अभी पूरा टैंक पानी से भर देंगे। और हमारा पानी भरना हो गया है, और अभी एक एक करके सारे मछली को टैंक पर छोड़ देंगे। और हमारा जो टैंक है इसे अभी तक सजाना नहीं हुआ, इस पर जो वाटर प्लांट्स है ऐसा कुछ प्लांट्स डाल के इसको सजाना भी है। और ये रहा हमारा आखिरी फिश, और हमने यह टोटल 9 फिश छोड़ दिया। और यह अभी देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिशेस को देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यार। इनका बदन में जो ब्लैक स्पॉट है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो भैया, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो देख के आपको अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दी गई बेल आइकन को भी दबा के रखना ताकि हमारे चैनल से आगे जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप देख पाए। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलती है अगले वीडियो में।